हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर ली है और ये मैंने दो कलर की वूल ली है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर ले सकते हैं। ये देखिए, सॉफ्ट वाली मैंने वूल ली है, तो इसी से मैं आपको ये 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ड्रेस बनाने जा रहे हैं, वो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ड्रेस बताएंगे। और ये जो हम ड्रेस को ब्लू कलर से फंदे डालेंगे, जो हम 4 नंबर के लिए बना रहे हैं, वो 5 को भी आराम से आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से 22 फंदे डाल लूंगी। ये देखिए, इसी तरह से मुझे यहाँ पे 22 फंदे डाल लेने हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 21 फंदे डाल लिए हैं, 22 नहीं डाले हैं, एक फंदा मैंने नहीं डाला है। थोड़ी वूल मोटी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 21 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए, और फंदे डाल के हम इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई बनाएंगे इसको इस तरह से। तो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये ड्रेस हमारी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हम एक सिलाई अपना ब्लू कलर से ही बना लेंगे। उसके बाद हमने अपना क्रीम कलर लगाना है। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी कलर की अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना चाहें उसी कलर आप लेके इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई बना ली है 21 फंदे डाल के। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ से अपना इसमें क्रीम कलर को लगा देते हैं। तो आसानी से हमने कलर को लगा दिया है। तो चलिए उल्टी सिलाई को यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से एक सिलाई बना चुकी हूँ और यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से अपना क्रीम कलर लगा दिया है। और क्रीम कलर को लगाते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई फिर से बना रहे हैं क्रीम कलर की। ये देखिए, तो चलिए बनाते हैं इसको। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये ड्रेस बता रहे हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्रीम कलर की भी एक सिलाई बना ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, पहला फंदा उतार लिया है और यहाँ पे मैं 2 फंदे अपने उल्टे बना लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं फंदे से फंदा बढ़ा लूंगी इस तरह से। आप जाली बना के भी आप यहाँ पे फंदे बढ़ा सकती हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं हर फंदे से इस तरह से फंदा बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा बनाया। उसी तरह से सभी पे हम फंदे से फंदा बढ़ा लेंगे। 3 फंदों पे पहले पे नहीं बढ़ाया है और लास्ट के 3 फंदों पे नहीं बढ़ाऊंगी, बाकी के सभी फंदों से फंदे बढ़ा के कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट में हम 2 फंदे यहाँ पे भी उल्टे बना लेते हैं और लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई को यहाँ पे पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ उल्टी सिलाई को।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई भी अपनी बना ली है फंदे बढ़ाने के बाद, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे ये टोटल 36 फंदे हैं, 30 और 6। इसके बाद हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ पे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे अपना। इसके बाद हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई को अपना सीधा बना रही हूँ। टोटल 36 फंदे हैं हमारे पास। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, इसी तरह से इसको बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई भी अपनी बना ली है। तो यहाँ पे हमारी टोटल 1 2 3 4 चार सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हैं। इसके बाद हम फिर से अपना वही करेंगे, दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे और हम पांचवी सिलाई को भी सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पांचवी सिलाई को भी सीधा बना रही हूँ। और उल्टी सिलाई को उल्टा बना लेंगे और पांचवी ये सीधी सिलाई को सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं पांचवी सिलाई को। इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे। पांचवी सिलाई को भी मैंने सीधा बना लिया है, यानी कि मैंने दो सिलाइयाँ उल्टी बनाई हैं, तीसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाए, दो सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बना ली हैं इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, दो सिलाइयाँ अपना पूरा उल्टा उल्टा इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ अपनी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। दो सिलाइयाँ आप इस कलर से भी बना सकते हैं, पर मैं आपको क्रीम से ही बता रही हूँ। अगर आपने कोई नीचे गले पे डिजाइन बनाना है तो आप इससे भी बना सकते हैं। इस तरह की ड्रेस मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपना दो सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे टोटल 7 सिलाइयाँ हो जाएंगी। पांचवी और छठी सिलाई को हम बना रहे हैं, फिर सातवीं को भी हम उल्टा ही बनाएंगे इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 सिलाइयाँ अपनी हो चुकी हैं। अगर आप इसमें फुल स्लिप बनाना चाहते हैं तो आप बाजू के फंदे सेफ्टी पिन में ले लें। अगर हाफ बाजू बनाना चाहते हैं तो आप फंदे साथ साथ ही घटा दें। तो यहाँ पे हम हाफ बाजू ही बनाएंगे इसमें। तो मैं देखिए किस तरह से फंदे घटाऊंगी इसमें। ये देखिए, 2 3 4 5 6 6 फंदे मैं कंधे के लिए रख लेती हूँ यहाँ पे, और आगे के फंदे हम बाजू के घटाते हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं अपने। आगे के फंदे हम बना लेते हैं। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे के फंदे काउंटिंग कर लेते हैं। ये देखिए 2 4 6 2 4 6 7। अब यहाँ पे देखिए 10 फंदे हम बना चुके हैं, 2 4 6 8 10। और यहाँ के हम दूसरी बाजू के 7 फंदे कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये देखिए 7। और कंधे के लिए 6 फंदे बना लेते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से ये बाजू हमारी घट चुकी है, ये देखिए। और अच्छे से हमने ये बाजुओं को घटा लिया है। इसके बाद हम सभी फंदों को यहाँ पे दो फंदे उल्टे बनाने के बाद
सभी फंदों को सीधा बनाएंगे इस तरह से, बाजू को चोंट करते हुए। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाजू के फंदे अलग करने के बाद एक सिलाई बना ली है। इसी तरह से मैं यहाँ पे अपनी चार सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करूँगी। तो दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, आगे के फंदे हम सभी सीधा बनाएंगे। और यहाँ पे हम दूसरी सिलाई को बना रहे हैं और दो सिलाइयाँ और इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे बाजू के फंदे घटाने के बाद। तो बहुत ही इजी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। और इसके घेरे में मैं डिजाइन बताऊंगी आपको, इन दोनों कलर से ही हम आपको डिजाइन बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ पे मैं चार सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चार सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने बाजू के फंदे अलग करने के बाद अपनी बना ली हैं, ये देखिए। और इस तरह से ये बाजू हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जिस तरह से हमने गले पे लगाई है उसी तरह से हम यहाँ पे ब्लू कलर से अपना एक सिलाई बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चोली यहाँ पे बनके कंप्लीट है, अच्छे से हमने इसको बना लिया है, ये देखिए। और इस तरह से ये हमारा इसमें ये चोली आएगी, ये देखिए इस तरह से। अब चोली हमने आपको बता दी है यहाँ पे, और यहीं से मैं आपको इसका आगे का नीचे का घेरा बताऊंगी। अभी मैं आपको चोली ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देख नहीं पाते हो, तो इसलिए मैं आपको चोली अलग बता रही हूँ और घेरा इसका अलग बताऊंगी। तो ये चोली की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे ये देखिए। तो अभी चोली को ही अपलोड करेंगे, अगली वीडियो में आपको इसका घेरा बताएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर हमारी चोली बन चुकी है, ये देखिए इस तरह से। तो यहीं से हम फंदा बढ़ा करके अपना घेरे को बनाएंगे। तो घेरे में मुझे डिजाइन बनाना है, किस तरह से मैंने डिजाइन बनाना है वो मैं आपको घेरा अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। मिलते हैं घेरे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।